हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले हैं एमएमसी का एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट। अब एमएमसी का इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करने जाए तो तीन चीज पूछते हैं आपको। पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, उसके बाद आपको पूछेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, और उसके बाद आपको स्पीड मेजरमेंट डिवाइसेस पूछेंगे। एडिशन में आपको स्ट्रेन गेजेस वगैरह भी पूछ सकते हैं। आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, इसको ये है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस। ठीक है, मैं एक के बाद एक अलग अलग टेम्परेचर डिवाइसेस बताऊंगा। आज के वीडियो में आपको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स RTD इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, फिर उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब इस वीडियो में इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स RTD। अब नाम से ही पता चलता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है और उस रेजिस्टेंस चेंज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस चेंज को हम लोग ने डिटेक्ट कर लिया, उसको फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इक्वल मेजरमेंट में, तो आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट मिल जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, दीज डिवाइसेस यूज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सूटेबल मेटल्स टू इंडिकेट टेम्परेचर। मतलब क्या है, वही जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रेजिस्टेंस चेंज को हम लोग सूटेबल मेटल यूज करके टेम्परेचर इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल, आगे जाते हैं। मेटल्स कॉमनली यूज आर प्लैटिनम, निकल एंड कॉपर, ये तीन मेटल यूज किया जाता है मेनली। उसके बाद वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला हम लोग ढूंढते कैसे है उसको। अब रेजिस्टेंस चेंज ढूंढना है टेम्परेचर चेंजेस के ऊपर से, तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, वो हर टेम्परेचर पे हर मेटल पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का मेटल है, तो वो कॉन्स्टेंट्स मेटल के टाइप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट RT है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और R0 है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है इतना? ये सब का वैल्यू आपको मिल जाएगा और आप उसके रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब थोड़ा डायग्राम मेरा ऊपर नीचे है, फ्री हैंड डायग्राम है, आप भी फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो। बहुत ईजी सा डायग्राम है। सबसे पहली बात, बीच में एक इंसुलेटेड फॉर्मर, ठीक है, ऊपर से एक प्रोटेक्टिव शीट इंसुलेशन करके, नेक्स्ट ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस वायर जो आपका रेजिस्टेंस चेंज मेजर करता है, और ये है आपका लीड्स, ठीक है, एक से इनपुट सिग्नल, एक से आउटपुट सिग्नल। लीड्स उसी चीज़ के लिए यूज होते हैं। देखो अभी यहाँ पे लिखा है मैंने मेनली 3 एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस वायर, सूटेबल इलेक्ट्रिकल लीड्स, रेजिस्टेंस मेजरिंग एंड इंडिकेटिंग सेटअप, ये दोनों, ये चीज़ और ये प्रोटेक्टिव शीट। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस। अब मैं इस चीज़ को, ये जो बल्ब है, बल्ब जैसी चीज़ है, इसको मैं जो मुझे मेजर करना है उसके ऊपर रखूँगा। ओके, ये इंसुलेटेड फॉर्मर उस हिसाब से गर्म होगा, हीट आएगा उसमें, उस हीट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस वायर अपना रेजिस्टेंस चेंज करेगा, और ये लीड्स उसको एक व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज में कनेक्ट करेगा। उस व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज के चेंज, उसमें आपका चेंजेस डिटेक्ट होगा और फिर आपको वो टेम्परेचर मेजरमेंट मिलेगा। ये है वो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज फॉर द RTD, RW, RL, L2, RL2, ये तीनों चीज टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। ओके, तो अब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को हम लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसको बैलेंस करने की जरूरत है अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, R1/R2 इज इक्वल्स टू RW प्लस RL1 प्लस RL2 अपॉन R3। समझो ये RW प्लस RL1 प्लस RL2, ये हो गया हमारा R4, ये फोर्थ आर्म में कनेक्टेड है, ये हो गया हमारा R4। ठीक है, ये चेंजेस होगा आपका टेम्परेचर के ऊपर से, और ये तीनों आपके कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस, और आपको मिलता है आपका रेजिस्टेंस जिससे आपको टेम्परेचर चेंज मेजर करना है। ये होगा हमारा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, सेंसर कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड रिप्लेस्ड।
सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा सेटअप था, हम लोग ने डायग्राम भी देख लिया उसका। एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.25% ऑफ स्केल रेंज, 0.25% का एक्यूरेसी है उसका, थोड़ा सा चेंजेस है ज़्यादा नहीं। फास्ट रिस्पॉन्स एंड गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अब मैंने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर एक चीज़ को आपने अलग अलग टाइम पे देखा, मतलब अलग अलग टाइम पे मेजर किया आपने उसको, तो आपको ऑलमोस्ट सेम वैल्यू मिलता है, तो इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। मोर एक्सपेंसिव सेटअप, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब जैसे हम लोग ने देखा था प्लैटिनम निकल कॉपर, ये तीनों एक्सपेंसिव मेटल्स है। लार्जर बल्ब साइज कंपेयर टू थर्मोकपल्स, ठीक है। रिक्वायर्स अ सेपरेट ब्रिज सर्किट सिस्टम, अब आपने देखा था ये वाला पार्ट, लीड्स आके यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये एक अलग से सर्किट सिस्टम बनाना पड़ता है, ये उसमें ये पार्ट अलग है और आपका व्हीटस्टोन मीटर का पार्ट अलग है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में हो जाते हैं जिससे वो थोड़ा बल्की हो जाता है। सेपरेट पावर सप्लाई नीडेड, ठीक है गाइस। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और ये था हमारा आरटीडी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आपको कोई टॉपिक्स लगता है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको कवर कर लूँगा। थैंक यू।